मैं मूल निवासी जय भारत, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है एवन टीवी। एवन टीवी के माध्यम से एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है खबरों का उड़न खटोला, जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की खबर। अमेरिका के डेट्रॉइट मिशिगन राज्य में सफलता के साथ संपन्न हुआ तीसरा प्रसिद्धि सम्मेलन। कार्यक्रम में उपस्थित रहे सैकड़ों प्रवासी भारतीय एवं भारतीय। वहीं इस प्रसिद्धि सम्मेलन की अध्यक्षता राम सेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वावन मेश्राम ने किया। बहुजनों की आवाज बुलंद करने एवं लिंगायतों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले कलबुर्गी गौरी लंकेश हत्याकांड के विरोध में कर्नाटक में लिंगायत महामोर्चा का विरोध प्रदर्शन। लिंगायतों को अल्पसंख्यकों का दर्जा देने की मांग को लेकर कहा, लिंगायत धर्म स्वतंत्र है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लिंगायत महामोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कोरडेश्वर स्वामी ने किया। किसी को बचाने के लिए जान की बाजी लगाने के बजाय लगाई जा रही है जान की कीमत। चौकी ने यह घटना बिहार के कटिहार सदर अस्पताल की है, जहां एक इंजेक्शन की लगाई जा रही है 10,000 रुपए कीमत। दरअसल एक बच्ची को सांप काटने पर कराया गया था भर्ती। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन की कीमत मांगी 10,000 रुपए। इसके बाद भी इलाज सही समय से शुरू न होने के कारण बच्ची ने दम तोड़ा। 15 मिनट में यहाँ पहुँच गया, 50,000 का दाम है, 20,000 देंगे पर बच्चा बचा लेंगे। बट उसके बाद इलाज शुरू करना है, घटना बाद इलाज शुरू किया, बच्चा पूरा बंधन बना। योगी राज में थप्पड़ से नैतिकता का पाठ पढ़ाते बीजेपी के नेता। अलीगढ़ सहित सूबे में बीजेपी का गुंडा दल सक्रिय। घटना अलीगढ़ जिले की है, जहां एक लड़की को सरेआम बेइज्जत करती बीजेपी की महिला नेता। पूरा मामला ये है कि एक समुदाय की लड़की को दूसरे समुदाय के लड़के से दोस्ती करने पर किया गया जलील। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी सफलता के साथ संपन्न हुआ बहुजन मुक्ति पार्टी का राज्य अधिवेशन। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आगामी चुनाव में यूरेशियन ब्राह्मणों की कांग्रेस भाजपा के मिथक को तोड़कर बहुजन मुक्ति पार्टी वास्तविक विकल्प बनेगी। मोदी सरकार में रिकॉर्ड तोड़ किसानों की अनदेखी। किसानों के सत्यानाश का कारण बन रही भाजपा सरकार। राजस्थान में 7 दिन से धरने पर बैठे किसान। सड़कों पर दूध और सब्जियां फेंक कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन।